इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका के बीच जो टेस्ट सीरीज हो रही है उसका पहला मुकाबला खत्म हो चुका है, और पहले मुकाबले खत्म होने के साथ ही इंडिया की टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में छठे पायदान पर पहुंच गई। यानी इंडिया की टीम पहले टेस्ट में 1 पारी और 32 रनों से हार गई, और जो पहला मुकाबला खेला गया था वह 26 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच होने वाला था, और मुकाबला 3 दिन में ही खत्म हो गया। खत्म होने के साथ ही इंडिया के टीम की दोहरी झटका मिली है, एक तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में छठे पायदान पर पहुंच गए हैं। छठे पायदान पर पहुंचने का प्रमुख कारण है इंडिया ने साउथ अफ्रीका की सर जमी पर, यह इंडिया की टेस्ट में सबसे बड़ी हार है। और दूसरा झटका यह है कि इंडिया ने पहले टेस्ट में स्लो ओवर के चलते भारत की टीम पर 10% का जुर्माना लगा था, इसके 2 पॉइंट काटे गए थे, इसी की वजह से इंडिया छठे पायदान पर पहुंच गई। पहले टेस्ट में इंडिया की टीम ने पहले पारी में 245 रन बनाए थे, जिसमें भारत की ओर से 100 पारी निकली हुई थी, और वो शतक लोकेश राहुल के नाम था। लोकेश राहुल ने 101 रनों की पारी खेली थी। वहीं भारत की ओर से दूसरे टॉप स्कोर रहे विराट कोहली, जिन्होंने 38 रनों की पारी खेली। उसे कागिसो रवांडा ने 5 विकेट लिए और नादरे बर्गर ने 3 विकेट लिए, और भारत की टीम ने 245 रनों पर ही सिमट गई। और साउथ अफ्रीका ने पहले पारी में 408 रनों का स्कोर खड़ा किया, जिसमें साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज डीन एल्गर ने 185 रनों की पारी खेली। वहीं डीन एल्गर दोहरे शतक से चूक गए, और डीन एल्गर का टेस्ट में यह दूसरा बेस्ट स्कोर है। और साउथ अफ्रीका की ओर से 2 अशतकीय पारी निकली थी, एक डेविड बेडी नागम के नाम रहे जिन्होंने 56 रनों की पारी खेली, और दूसरा मार्को यांसन ने जिन्होंने 984 रनों की पारी खेली। उसमें भारत की गेंदबाजी की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट लिए थे और मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट लिए थे। इसी के साथ साउथ अफ्रीका की टीम ने 408 रन बना दिया और इंडिया की और 163 रन की बढ़त बना ली थी, और इंडिया की टीम यह सोच रही थी कि दूसरी पारी में बढ़त को खत्म किया जाए और कम से कम 200 रनों का लक्ष्य रखा जाए। लेकिन इंडिया की टीम ने दूसरी पारी में जो बढ़त साउथ अफ्रीका की टीम ने 163 रन की बनाई थी उसके लक्ष्य तक भी नहीं पहुंच पाई। इंडिया की टीम मात्र 131 रनों पर ही सिमट गई, और इंडिया की टीम की ओर से मात्र विराट कोहली ही संघर्ष करते नजर आए। विराट कोहली ने 76 रनों की पारी खेली। भारत की ओर से 4 ऐसे बल्लेबाज रहे जो शून्य के स्कोर पर आउट हो गए, जिसमें रोहित शर्मा, रविचंद्र अश्विन, जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा, और 5 ऐसे बल्लेबाज रहे जिन्होंने 10 के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाए, जिसमें यशस्वी जायसवाल, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, लोकेश राहुल और सुरेश अय्यर हैं। वहीं विराट कोहली ने एक तारफा मैच खेला। विराट कोहली ने 76 रनों की पारी खेली और सुमन गिल ने 26 रनों की पारी खेली। नादरे बर्गर ने 4 विकेट लिए, मार्को यांसन ने 3 विकेट लिए और कागिसो रवांडा ने 2 विकेट लिए। और पहले टेस्ट के प्लेयर ऑफ द मैच डीन एल्गर है, जिन्होंने 185 रनों की पारी खेली, और उसी जीत के साथ साउथ अफ्रीका की टीम ने 1-0 से बढ़त बना ली है। वहीं दूसरा टेस्ट मैच जो 3 जनवरी से 7 जनवरी के बीच न्यूजीलैंड क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, वो भी भारतीय समय अनुसार 2 बजे से शुरू होगा। वहीं इंडिया की टीम में परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, जिसमें रविचंद अश्विन की जगह रविंद्र जडेजा को खिलाया जा सकता है, और जो मोहम्मद शमी बेंच पर बैठे हुए थे उनकी जगह पर आवेश खान को मौका दिया गया है, क्योंकि मोहम्मद शमी को मेडिकल टीम ने खेलने की अनुमति न मिलने की वजह से मोहम्मद शमी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं, उनकी जगह पर आवेश खान को मौका मिला है, और दूसरे टेस्ट मैच में आवेश खान खेल सकते हैं। और साउथ अफ्रीका की टीम में एक झटका लगा है, साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बमुबा जो पहले टेस्ट में चोटिल हो गए, और पहले टेस्ट में भारत जब पहली पारी की बैटिंग चल रही थी उसी समय वह चोटिल हो गए थे, उसके बाद ग्राउंड से बाहर चले गए और कप्तान की कमान एडन मार्करम के हाथों में दे दी गई थी। उसके बाद वह बैटिंग करने भी नहीं आए और पहले टेस्ट में वह नजर ही नहीं आए, और इसी चोट की वजह से साउथ अफ्रीका के दूसरे मैच में वह नहीं खेलेंगे, और उनकी जगह पर साउथ अफ्रीका के टेस्ट के पूर्व कप्तान डीन एल्गर को कप्तान बनाया गया है। वहीं डीन एल्गर का यह आखिरी सीरीज है। डीन एल्गर ने कहा कि इस सीरीज के बाद मैं क्रिकेट जगत से संन्यास ले लूंगा, और देखते हैं कि दूसरा टेस्ट कैसा होता है। हम लोग यही चाहेंगे कि इंडिया की टीम जीतकर 1-1 से सीरीज की बराबरी कर ली जाए। वहीं साउथ अफ्रीका की टीम और साउथ अफ्रीका के प्रशंसक यही चाहेंगे कि साउथ अफ्रीका की टीम जीतकर 2-0 से सीरीज पर कब्जा किया जाए।